भारत के मुख्य दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य विभाग द्वारा दूध व दूध से बने पदार्थों के सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। वहीं 6 से 7 दुकानों से सैंपल लिए गए। खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा नगर के अलग अलग प्रतिष्ठानों में जाकर दूध व दूध से बने पदार्थों की सैंपलिंग की जा रही है। गौरतलब है कि दीपावली पर्व पर मावा व मिठाइयों की अधिक बिक्री होती है। कोई मिलावट ना हो और कोई मिलावट ना कर पाए, इसके लिए खाद्य विभाग के अधिकारी जिले में पैनी नजर बनाए हुए हैं। HL आवश्यक खाद्य सुरक्षा अधिकारी। सर, क्या किया जा रहा है दिवाली को देखते हुए? दिवाली को देखते हुए दूध एवं दूध से बने पदार्थ का संगन अभियान चलाया जा रहा है और मिठाई दुकानों से नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं। सर, कितनी दुकानों का सैंपल? अभी हम लोगों ने सैंपल 7 सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और ग्रामीण व शहर से भी सैंपल एकत्रित कर लेंगे। हम लोग ऐसे नज़र बनाए हुए हैं, जहाँ ऐसा अगर लगता है तो हम लोग इमिजिएटली कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? योगेश सराफ। अभी क्या मार्केट में क्या रुझान है लोगों के? ठीक है, रुझान अच्छा है। मार्केट में काफ़ी अभी मावा मिठाई और सबकी मांग है, नमकीन वगैरह की। कोरोना से क्या प्रभाव? नहीं, कुछ भी नहीं प्रभाव लग रहा है। सब बगैर मास्क के घूम रहे पूरे गांव में। क्या मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना कारण कोई बिजनेस में कोई कमी आई है। हाँ हाँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।